हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था बिजनेस सर्विसेज में इंश्योरेंस कर रहे थे। आज हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे कि बीमा कितने प्रकार का होता है। बीमा जो है या इंश्योरेंस जो है वो दो प्रकार की होता है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस सामान्य बीमा। जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें तीन प्रकार के बीमा आते हैं, फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा, थेफ्ट इंश्योरेंस चोरी बीमा और मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा। जो फायर इंश्योरेंस है वो हमें अग्नि से अगर नुकसान हो जाए या अग्नि से हमें क्षति हो जाती है और अगर हमने अग्नि बीमा करवा रखा है तो हमें कंपनसेशन मिलती है। थेफ्ट इंश्योरेंस चोरी बीमा नाम से स्पष्ट हो रहा है, अगर हमने अपनी किसी दुकान का या गोदाम का या किसी संपत्ति का थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर मान लो चोरी हो जाती है तो ये हमें चोरी से जो भी लॉस होती है उससे बचाव करने के लिए जो है वो बीमा हम चोरी बीमा करवाते हैं। और थर्ड जो है मैरीन इंश्योरेंस सामुद्रिक बीमा, फॉरेन ट्रेड जो है वो हम समुद्र के रास्ते से करते हैं इसलिए हमें सामुद्रिक बीमा जो है वो करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि समुद्र में कई प्रकार के रिस्क होते हैं और अगर हमें मान लो लॉस हो भी जाती है तो अगर हमने सामुद्रिक बीमा करवाया होगा तो हमें जो है वो कंपनसेशन मिल जाती है। तो अब ये थे दो प्रकार इंश्योरेंस के। अब जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक आया वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास का सिद्धांत। जैसे कि ये पॉइंट मैंने पहले भी इसके मीनिंग में भी डिस्कस किया था फीचर्स में कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक बीमा करने वाला और दूसरा बीमा करवाने वाला। दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे के ऊपर जो है वो विश्वास होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। मान लो बीमा करवाने वाले व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसने ये बात बीमा कंपनी से छुपाई है, बाद में बीमा कंपनी को ये बात पता चल जाती है तो उसका व्यक्ति का जो बीमा है वो रद्द समझा जाता है। इसी तरह ही बीमा कंपनी ने भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने बीमा करवाने वाले व्यक्ति से छुपाई है और बाद में उस व्यक्ति को ये बातें पता चल जाती हैं तो बीमा तब भी रद्द समझा जाता है। तो ये बीमा जो है वो गुड फेथ पर आधारित है, दोनों को ही जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए और कोई भी बात एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का अर्थ है कि हम अगर बीमा करवा रहे हैं जिस भी संपत्ति का या जिस भी वस्तु का उसमें हमारा जो है वो इंटरेस्ट या हित जुड़ा होना चाहिए, जिस यानी कि उसके उस संपत्ति या उस वस्तु को अगर नुकसान पहुंचता है तो उससे हमें भी नुकसान पहुंचे और अगर उसका हम बीमा करवा लेते हैं तो उससे हमें आर्थिक सुरक्षा जो है वो मिल जाती है। जैसे कि मान लो कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी का बीमा करवा सकता है या अपने बच्चों का बीमा करवा सकता है, इसी तरह से एक व्यक्ति जो है वो अपने मकान का बीमा करवा सकता है, दुकान का बीमा करवा सकता है और गोदाम का बीमा करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के परिवार का बीमा नहीं करवाता है या दूसरे की पत्नी या बच्चों का बीमा नहीं करवाता है या दूसरे की संपत्ति गोदाम दुकान या मकान का बीमा नहीं करवाता है क्योंकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट केवल अपने परिवार के साथ या अपनी संपत्ति या वस्तु में ही होता है। इसलिए बीमा का दूसरा सिद्धांत ये है कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति को जो है जिस वस्तु का या संपत्ति का वो बीमा करवा रहा है उसमें उसका हित जो है वो जुड़ा होना चाहिए। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो जैसा कि आपने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि जो इंश्योरेंस है ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर डिपेंड करती है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इस पर लागू होता है।
लाइफ इंश्योरेंस में ये इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल नहीं होता, ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है जिसमें ये तीन प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं उसमें ये प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से लागू होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत हमें ये बताता है कि क्षति होने पर उसकी पूर्ति देती है कंपनी, लेकिन अगर मान लो कि मैंने 50,000 रुपये का बीमा करवाया है अपनी संपत्ति का और मुझे नुकसान जो है वो 30,000 का होता है, तो बीमा कंपनी जो दोनों में से कम हो वो अमाउंट पे करती है, तो वो बीमा कंपनी मुझे 50,000 ना देकर 30,000 रुपया पे करेगी। और मान लो मैंने 50,000 का ही बीमा करवाया है 50,000 का और मुझे लॉस जो है वो 70,000 की हो जाती है, तब भी बीमा कंपनी जो दोनों में से कम हो यानी कि वो 50,000 ही मुझे पे करेगी, 70,000 जो है वो पे नहीं करेगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बीमा कंपनी वास्तविक हानि और बीमित राशि जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है उन दोनों में से जो भी कम हो वही पे करती है, उसी क्षति की पूर्ति करती है जो दोनों में से कम अमाउंट होता है, वास्तविक हानि और बीमित राशि जो है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। अंशदान का सिद्धांत ये बताता है कि अगर एक व्यक्ति ने एक से अधिक बीमा पॉलिसी ले रखी है, अपने सामान्य बीमा की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम, कि सामान्य बीमा की दशा में अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक पॉलिसीज ले रखी हैं तो अगर उसको नुकसान होता है, कभी हानि होगी, तो सभी कंपनियां अपना अपना अंश जितना जितना बनेगा उतना उतना अंश ही पे करेगी। लेकिन जीवन बीमा में अगर एक व्यक्ति ने एक से अधिक पॉलिसीज ले रखी हैं तो वो हर कंपनी से जो है वो अलग अलग बीमा की राशि जो है वो ले सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी कंपनियां जितनी भी लॉस होती है वो आपस में जो है वो कंट्रीब्यूट करके उसको जितनी हानि हुई होती है उसकी पूर्ति कर देती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार समर्पण का सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें क्षति की पूर्ति होने के बाद जो राइट है या अधिकार है वो बीमा कंपनी का हो जाता है उस संपत्ति पर। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई नई कार ली है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बीमा कंपनी उसको कंपनसेट कर देती है, उसकी लॉस की भरपाई कर देती है, उसके बाद जो वो खटारा गाड़ी बचती है, कबाड़ बचता है कार का, वो सारा का सारा जो है वो बीमा कंपनी का हो जाता है, ना कि उस कार के स्वामी का, क्योंकि कार के स्वामी को उसकी कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है। इसलिए जो भी वो एक्सीडेंटल संपत्ति रह जाती है या कार रह जाएगी उस पर अधिकार जो है वो बीमा कंपनी का हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति का बीमा करवाया भी है और अगर उसको मान लो लॉस हो भी जाती है तो उस व्यक्ति को उस लॉस को जो है वो कम करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि मैंने बीमा तो करवा रखा है कोई बात नहीं, अगर लॉस हो रही है तो होने दो, मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान का बीमा करवा रखा है अग्नि बीमा और दुकान में आग लग जाती है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी दुकान है, उसको जो है वो आग बुझाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जो जो वो कर सकता है आग को बुझाने के लिए वो सारा कुछ उसको करना चाहिए, ना कि दूर खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए कि मैंने बीमा तो करवा रखा है और बीमा कंपनी मुझे जो है वो कंपनसेशन दे देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको लॉस को जो है वो कम करने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सीमेट कॉज, निकटतम कारण का सिद्धांत। अब लॉस जो है वो कई कारणों से होता है, तो जितने भी लॉस होने के कारण होते हैं वो बीमा पॉलिसी में जो है वो सब मेंशन होने चाहिए। अगर कोई कारण बीमा पॉलिसी में मेंशन नहीं है तो उसकी कंपनसेशन जो है वो बीमा कंपनी नहीं देती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक जहाजी
जहाजी कंपनी का जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ समुद्र में ऐसी हानियां होती हैं जिनके लिए बहुत सारी समुद्र में हानियां हो जाती हैं। तो समुद्र में जो हानियां होती हैं, लॉसेस होती हैं, हम उनको तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक लॉस के लिए हम जहाजी कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, दूसरी लॉस के लिए हम बीमा कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तीसरी लॉस के लिए हम जो है वो जहाज के स्वामी माल के स्वामी को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। मान लो कि समुद्र में क्या हुआ, जब जहाज चल रहा था तो समुद्री जानवरों ने टक्कर मार मार के उसमें छेद कर दिया जहाज में, जिससे जहाज के अंदर पानी भर गया। पानी भर जाने के कारण सारा माल जो है वो खराब हो गया। अब इस हानि का निकटतम कारण जहाज में पानी भरा जाना है, ना कि जंगली जानवर। जंगली जानवरों ने तो टक्कर मार के उसमें छेद कर दिया, लेकिन पानी भर जाने के कारण सारा माल जो है वो खराब हो गया। तो इस लॉस का निकटतम कारण क्या बना कि जहाज में पानी भरना, और इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन कहलाएगी, बीमा कंपनी कहलाएगी, और इसके लिए बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि हानि जहाजी कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से होती है तो क्षति के लिए जहाजी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इसका निकटतम कारण क्या बनेगा कि मतलब जहाजी कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। और यदि माल की घटिया पैकिंग की गई थी और जैसे ही जहाज में सामान रखा उसके पैकेट खुलने शुरू हो गए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कहलाएगा, माल का स्वामी कहलाएगा। तो इस तरह से ये देखना पड़ता है कि निकटतम कारण कौन सा है, कौन सा प्रॉक्सिमेट कॉज है जिसके लिए किसको जो है वो हम उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीमा के सिद्धांत, और इसी के साथ ये आपका टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू।